देहरादून में अगर बेवजह आप घर से निकलकर नियम तोड़कर मनमानी करने की सोच रहे हैं तो सच मानिए, पुलिस का कैदी वाहन आपके लिए तैयार है और आपकी ही तलाश में है। जी हाँ, राजधानी में कोविड कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले आवारा किस्म के लोगों को दून पुलिस ने सख्त सबक सिखाना शुरू कर दिया है और कैदी वाहनों से इनको थाने पहुंचाया जा रहा है। बेवजह घरों से बाहर निकलना अब आपको महंगा पड़ सकता है। राजधानी पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर सख्त लगाम लगानी शुरू कर दी है। राजधानी में सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेवजह घूम रहे लोगों ने पुलिस का कैदी वाहन देखा। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कैदी वाहन में बैठाकर गली मोहल्लों से ले जाया जा रहा है और पुलिस थाने पहुंचाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को कैदी वाहनों में बैठाकर थाने ले जा चुकी है। इनमें से कई लोगों के चलान किए गए हैं। दरअसल कोविड कर्फ्यू में मिली छूट के प्रावधानों की आड़ लेकर यह बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता ढोबाल ने बताया कि पुलिस द्वारा कैदी वाहनों में बेवजह घूमने वालों को ले जाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन करें और जो लोग इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है सब जगह हम लोगों ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है और जो लोग कोविड रिस्ट्रिक्शंस का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने वैधानिक कार्रवाई की। मैम, कितनी कार्रवाई हुई है, क्या चालान हुए हैं पूरे ज़िले में, किस किस जगह पर जो है फ्लैग मार्च किया गया था? देखिए, सभी जगह जो है थानाध्यक्ष और जो उनका फोर्स है उन्होंने फ्लैग मार्च किया और जो अननेसरी बाहर घूम रहे थे उन लोगों को पकड़ करके और उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की गई है। लगभग 150 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। वहीं सोशल मीडिया पर पुलिस का यह कैदी वाहन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ लोगों द्वारा पुलिस के इस कार्य की जमकर सराहना की जा रही है और बेवजह घूमने वाले लोगों को कैदी वाहनों में ले जाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।